हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू क्लरिकनसेप्ट आज हम लोग कंटिन्यू करने वाला है ये लेक्चर ऑन फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूड थ्रू सर्कुलर पाइप्स और हम लोग पॉज वाली फॉर्मुलाट डिराइव कर रहे थे तो ये पार्ट टू है उस लेक्चर का इसके पहले लेक्चर आप देख लीजिए उसके बाद ये कंटिन्यू कीजिए तो इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ दिस हमने ये देखा है कि अगर सर्कुलर पाइप मेरे पास में है और मैं दो सेक्शन मार्क कर रहा हूँ सेक्शन वन एंड टू सेक्शन वन पर माना प्रेशर मेरा पी वन है टू पर मेरा प्रेशर पी टू है और ये लेंथ आपकी सपोज एल है ठीक है तो और इसका अगर एडियस आपका कैपिटल आर है तो हमने ये देखा है कि एक सेक्शन के ऊपर भी अगर आपका लेमिनर फ्लो हो रहा है विस्कस फ्लो हो रहा है तो आपकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगी वो कुछ सर्कुलर मतलब आपकी जो प्रोफाइल होगी वो पैराबोलिक होगी इन द सेंस कि हमने देखा था कि ये इक्वेशन है जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा था वेलोसिटी का अलग अलग पॉइंट पे एक ही सेक्शन पे ठीक है तो यू इक्वल्स टू माइनस वन ओवर फोर म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर जहां पर ये म्यू जो है वो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड है आ, आपका जो डेल पी बडेक्स जो है वो उस सेक्शन पे एक कांस्टेंट वैल्यू होगी कैपिटल आर है इस पाइप का रेडियस है स्मॉल आर है वो अलग अलग रेडियस है मतलब कि इस फार्मूला में आप अलग अलग आर डालते जाएंगे तो आपको जो यू मिलता रहेगा वो अलग अलग आर पे मिलता रहेगा तो अगर आर इक्वल टू जीरो डालेंगे सॉरी आर इक्वल टू अगर आप जीरो डालेंगे तो आपको मिलेगा हाईएस वेलोसिटी आर इक्वल टू कैपिटल आर डालेंगे तो आपको मिलेगा जीरो मतलब लोएस्ट वेलोसिटी ठीक है तो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ प्रोफाइल तो हमने ये देखा है कि सेंटर पर हाइएस्ट को आपकी कॉर्नर पर लोवेस्ट और ये आपकी प्रोफाइल आएगी जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है और हमने शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है कि इट इज माइनस डेल पी बस इन टू आर बाई टू मतलब कैपिटल मतलब आर पे एंड मिनिमम मतलब लोवेस्ट एट द सेंटर जिसकी वैल्यू जीरो है तो शेयर स्ट्रेस एट सेंटर इज एंड एट बाउंड्री इज हाइएस्ट तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा शेयर स्ट्रेस एट द बाउंड्री इज हाइएस्ट ओके तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे द फॉर्मूला फॉर द एवरेज वेलोसिटी अब देखिए ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर ये मैक्सिमम है ये आपके जीरो है तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी सपोज मैं इसका एवरेज निकालता हूं मान लो यहां पर मैं करता हूं मान लो कि ये मैं जस्ट मिनट ओके तो मुझे अगर एवरेज निकालना होगा मान लो ये मान लो एवरेज निकलता है वेलोसिटी का पूरा पूरे सेक्शन पे तो इसको मैं बोलूंगा क्रॉस सेक्शनली एवरेज तो ये जो एवरेज वेलोसिटी आएगी पूरी सेक्शन पे तो ये एवरेज कितना होगा इसको मैं बोलूंगा सपोज यू एवरेज यू एवरेज और ये जो है हाईएस्ट वो आपके यू मैक्सिमम तो एक सेक्शन पे मैक्सिमम इतनी है और एवरेज अगर इतनी है तो एवरेज वैल्यू क्या होगी वो जानना है ठीक है तो हम क्या जानेंगे मैंने ये देखा कि भाई u इज इक्वल्स टू माइनस वन ओवर फोर मू डेल p बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायेर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ बराबर है कि इक्वेशन माइनस वन ओवर फोर म्यू क्योंकि गलती हो सकती है ओके okay. तो ये आपका u का डिस्ट्रीब्यूशन है अब मुझे अगर एवरेज निकालनी है ना तो ये एवरेज पता है क्या है एवरेज वेलोसिटी कुछ और नहीं है अगर आपने पाइप में से अगर फ्लूड का फ्लोरेट मान लो आपका क्यू फ्लोरेट से जा रहा है क्यू तो अगर Q को क्रॉस सेक्शनल एरिया में ऐसे डिवाइड कर लूंगा तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वेलोसिटी की वो मिलेगी U एवरेज तो U एवरेज क्या है मेरी U एवरेज इज नथिंग बट टोटल फ्लोरेट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों? बिकॉज हम अभी तक तो कहते आया है Q इक्वल्स टू ए वन तो V1 जो उसमें था ना वो क्या था क्रॉस सेक्शनली एवरेज वैल्यू ऑफ फिलोसिटी इन द एंटायर एरिया तो ये पूरा जो एरिया सर्कुलर एरिया जो पूरा बनेगा ना उस सर्कुलर एरिया पे एवरेज वैल्यू अगर आपकी U होगी तभी जा करके इस U को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्लोरेट मिलेगा तो इसीलिए हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे कि भाई मैं फ्लोरेट से एरिया को डिवाइड कर लूंगा तो मुझे यू एवरेज मिल जाएगा तो एरिया तो मुझे पता है पाई बाय फोर डी स्क्वेयर तो फिर पाई आर स्क्वायर

रिंग में से जो फ्लोरेट निकल रहा है वो स्मॉल डी क्यू है और वो कैसा निकलेगा वेलोसिटी एट द रिंग इनटू टू एरिया ऑफ द रिंग अब यहाँ पे वेलासिटी कितनी होगी क्योंकि थिकनेस बहुत छोटी है तो हम इतना कह सकते हैं कि भाई आर पे जो वेलोसिटी आपकी यू होगी तो वो सारे रिंग की थिकनेस पे आपकी वेलोसिटी यू ही होगी बिकॉज वो सारे पॉइंट्स जो है वो रेडियस आर पे ही है सेंटर से ठीक है तो उसकी वेलोसिटी आपकी यू होगी तो अब यू मेरा क्या है डेल क्यू यू मेरा ये वाली वैल्यू है मतलब आर पे अगर मुझे फाइन करना होगा वेलोसिटी तो मैं यहाँ पर आर ही रखूंगा दैट इज माइनस वन ओवर फोर मू डेल पी बाय डेल एक्स इन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अब डी ए मेरा क्या है डी ए इज दी एरिया ऑफ द रिंग तो इस रिंग का एरिया कितना होगा ये वाला इस रिंग को मैं काट दूँ और तोड़ के स्ट्रेट कर दूँ। तो ये स्ट्रेट लाइन जो मुझे रिंग की मिलेगी इसका एरिया मुझे फाइन करना है तो इसको मैं काट के स्ट्रेट कर दो तो ये लेंथ कितनी होगी मेरी टू पाई आर टू पाई स्मॉल आर आपकी लेंथ होगी पैरामीटर जितनी और ये थिकनेस कितनी है मेरी ये वाली दिस इज द डी आर ये आपकी डी आर तो इसका एरिया कितना होगा टू पाई आर डी आर दिस इज टू पाई आर इंटू डी आर समझ में आया अब मैं क्या करूंगा इसको थोड़ा मैनिपुलेट uh, कर लूंगा तो माइनस वन ओवर फोर म्यू डेल पी बाय डेल एक्स और मैं टू पाई को भी यहाँ पे ले लूंगा आगे तो इसको मैं कर दूंगा टू और ये पाई कर दूंगा ठीक है और आर जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर लूंगा तो आर स्क्वायर भी आर के साथ हो जाएगा और माइनस आर क्यूब इंटू डी आर अब मुझे क्या चाहिए टोटल फ्लोरिट चाहिए क्यू तो टोटल अगर रिंग से आपका इतना फ्लो हो रहा है और अगर इसको मैंने पूरे एरिया में क्रॉस सेक्शनल एरिया में जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करा लिया तो मुझे टोटल फ्लोरियड मिल जाएगा तो टोटल फ्लोरियड क्या होगा मेरा इंटीग्रल जीरो टू आर डी क्यू ठीक है इसका मीनिंग क्या है मैं सर तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूँ क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू आर डी क्यू इसका मीनिंग इंटीग्रल जीरो टू आर डी क्यू मेरा क्या था माइनस ये टू 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 कैंसिल इंटू आर माइनस आर क्यूब और डी आर तो जो भी चीज आर के रेफरेंस से वेरी नहीं करी उसको बाहर ले लूंगा तो माइनस पाई ओवर टू म्यू डेल पी बाई डेल एक्स बाहर ले लिया और इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे जीरो से आर तो ये आर स्क्वायर कॉमन एन आउट पहले तो आर स्क्वायर कॉमन एन आउट आर का इंटीग्रेशन क्या होगा आर स्क्वायर बाई टू और उसकी लिमिट लगा देंगे जीरो टू आर माइनस आर क्यूब का क्या होगा आर एस टू फोर बाई फोर इंटीग्रेशन भाई ये इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए ठीक है आर एस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होगा आर एस टू एन प्लस वन एन प्लस वन तो ये थ्री है तो थ्री प्लस वन मतलब फोर डिवाइड बाई फोर और जीरो टू आर इसकी लिमिट और क्योंकि आपने लिमिट लगा दी है तो आपको कॉन्स्टेंट सी एड करने की जरूरत नहीं है आई होप ये आपको मैथमेटिकली थोड़ा पता है ओके okay. अब कैपिटल आर स्क्वायर एज इट इज अब पहले मैं लगाऊंगा कैपिटल आर तो आर स्क्वायर बाई टू माइनस फिर लगाऊंगा जीरो तो जीरो ही होगा तो उसको मैं लिख ही नहीं रहा हूं तो हो आर स्क्वाई टू माइनस यहां पे पहले मैं कैपिटल आर लगाऊंगा आर एस टू फोर बाई फोर और फिर जीरो लगाऊंगा जीरो वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा माइनस जीरो तो मतलब मतलब ही नहीं है तो मैं लिखता ही नहीं उसको तो सीधा कैंसिल ही होने वाला वैसे भी वो ठीक है डन अब क्या करता हूँ मैं माइनस पाई ओवर टू म्यू डेल पी बाय डेल एक्स अब ये आर एस टू फोर को मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों साइड से आर रे एस टू फोर बाहर ये बच्चा वन हाफ माइनस वन बाई फोर तो ये फोर ये आपका फोर वन जै फोर टू वन जो टू फोर माइनस टू टू अब मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं इसको माइनस वन बाई टू मू डेल पी बाई डेल एक्स आर रे टू फोर ये अल्टीमेटली आएगा फोर माइनस टू डिवाइडेड बाई एट ये होगा टू बाई एट वन बाय फोर वन बाई फोर और ये आपका मतलब अल्टीमेटली टू आ जाएगा टू डिवाइडेड बाई एट है तो कैंसिल हो जाएगा तो फोर फोर टू जर एट अगेन माइनस फाइव बाई एट टोटल फाइव बाई एट म्यू एल पी बाय डेल एक्स आर रेस टू फोर दिस इज टोटल फ्लोरेट यहां पर अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्या था ऑब्जेक्टिव वॉज टू फाइंड दी ऑब्जेक्टिव वॉज टू फाइंड दू एवरेज तो वो क्या है क्यू बाई ए है तो आपका यू एवरेज जो है क्वल टू क्यू डिड बाई ए दैट इज इक्वल क्यू मेरा क्या है माइनस पाई बाई एट म्यू माइनस पाई डिवाइडेड बाई एट म्यू इन टू ये म्यू है यू नहीं है इन है डेल पी बाई डेल एक्स आर रेस टू फोर डिवाइडेड बाई एतना होगा पाई आर स्क्वा आप कैंसिल करो ये, ये, ये एक आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर तो बच्चा क्या है आपका ज इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एट मू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर रेस टू स्क्वायर ये आपका एवरेज वैल्यू फेलॉसिटी है ठीक है अब मैं रेशियो निकालूंगा एवरेज और मैक्सीम का तो ये जो आपके आई एवरेज फेलॉसिटी वो यहाँ पर ऐसी कुछ होगी एवरेज सपोज ये आपकी एवरेज वैल्यू है यू एवरेज और ये होगी आपकी यू मैक्सिमम आपकी यू मैक्सिमम है तो यू मैक्सिमम कितनी तो अगर यू मेरा क्या था माइनस वन ओवर टू म्यू डेल पी बाय x टू तो है कि फोर है फॉर्मूला में फोर म्यू है सॉरी तो फार्मूला क्या है मेरा यू का माइनस वन ओवर फोर म्यू डेल पी बाय x इंटू कैपिटल आर स्क्वयर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर तो मुझे मैक्सिमम कहां मिल, so कहा मिल रही है सेंटर पे। तो आर इक्वल टू जीरो पे तो मुझे यू मैक्सिमम जो है वो कहां मिल रही है माइनस वन ओवर फोर म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर आपका स्मॉल आर आपका जीरो हो गया और मेरा एवरेज वैल्यू कितना निकला ये, ये यू एवरेज वॉज माइनस वन ओवर एट म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर और ये आपका मैक्सिमम ये है मैक्सिमम कितना है यू मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन ओवर फोर म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर ये नो अब क्या करूँगा मैं रेशियो ले लूँगा मान लो U एवरेज डिवाइडेड बाई U मैक्सिमम का रेशियो लेता हूँ ये क्या मिलेगा एवरेज ओल्यूगी तो नहीं है माइनस वन ओवर एट म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर और मैक्सिमम मेरा है माइनस वन ओवर फोर म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर ये आपका स्क्वायर है भाई क्यूब नहीं है स्क्वायर ये कैंसल डेल पी बाय डेल एक्स कैंसल म्यू म्यू कैंसल ये अल्टीमेटली फोर एकदम ऊपर जाएगा एट नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा आंसर ये माइनस माइनस कैंसिल आएगा यू एवरेज बाई यू मैक्सिमम और कुछ नहीं है ये वन हाफ हो जाएगा इसका मीनिंग जो एवरेज वेलोसिटी जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम है तो कभी एग्जाम्पल में अगर मैक्सिमम दिया हुआ है और आपको एवरेज निकाल लिया तो उसका हाफ कर दीजिए या फिर एवरेज दिया हुआ है और मैक्सिमम निकालनी है तो डबल कर दीजिए तो ये जो डिस्टेंस है यू एवरेज का पूरे सेक्शन में वो आपका कितना है हाफ तो यू एवरेज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ यू मैक्सिमम यह हमेशा याद रखे एग्जाम में गेट में ई ए की एग्जाम में आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जी के एग्जाम्स में कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो ये काम आने वाला है ठीक है तो अब यहां पर इतना बट ये किसके लेमिनर फ्लो के लिए विस्कस फ्लो के लिए ही अपलीकेबल है ये भी याद रखना ठीक है तो जो हाईएस्ट वेलोसिटी आपकी आती है सेंटर में उसकी आधी कर लेंगे तो आप कह सकते हो कि पूरे एरिया में आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी उससे हाफ है ठीक है और जब भी फ्लोरिट निकालना होगा तो फ्लोरिट इज ऑलवेज

अब अगर प्रेशर ड्रॉप निकालना है तो पहले तो मैं थोड़ा कर लेता हूं जो फॉर्मूला एवरेज का आया था वो क्या है चेक कर लेते एक बार एवरेज का फॉर्मूला मेरा था वी यू एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस वन ओवर एट म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इनटू आर स्क्वायर यू एवरेज का फॉर्मूला मेरा था यू एवरेज वॉज माइनस वन ओवर एट म्यू डेल पी बाय एक्स इंटू आर स्क्वायर अब यहां से मुझे क्या निकालना यू एवरेज जो है मेरी वो क्या है दैट इज दी एवरेज वैल्यू फेलासिटी तो इसमें डेल पी बाई डाइलेक्स को मैं आगे निकालता हूँ डेल पी बाय डेलेक्स क्या हो जाएगा मेरा इसको मैं यहाँ लेके जाऊँगा। तो एट म्यू ओवर आर स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस लगा दूंगा मैं एट म्यू ओवर आर स्क्वायेर और ये आपका हो जाएगा यू एवरेज ठीक है अब क्या करूँगा? मुझे पी वन माइनस पी टू चाहिए मतलब ये आपका डेल पी बाय डेलेक्स है तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स बोध दी साइड्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स फ्राम फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू या तो फ्रॉम कह सकते हैं वन टू तो टू तो ये डी एक्स डी एक्स कैंसिल अब डी पी जो है वन टू तो टू में डीपी का आपका आएगा पी इंटीग्रल वैल्यू आपकी सेक्शन वन पे आपकी वैल्यू पी वन है सेक्शन टू पे पी टू है तो पी वन टू तो पी टू इज इक्वल्स टू एट म्यू आर स्क्वायर आपका पूरा कॉमन एन आउट क्योंकि आपका एक्स में वो वेरी नहीं करता है एक्स में ये सारी चीज कांस्टेंट है म्यू भी कांस्टेंट एवरेज भी कांस्टेंट अलग अलग एवरेज सेक्शन जो होगी वो भी एवरेज वाले सेम ही है रेडियस भी कांस्टेंट पाइप का तो बचा क्या है ओनली इंटीग्रल एक्स वन टू एक्स टू और डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा एक्स होगा और वैल्यू क्या आएगी एक्स वन से लेकर के एक्स टू तक अब आप यहाँ सब शुरू कीजिए पी टू माइनस पी वन आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस एट म्यू यू एवरेज बाय आर स्क्वा इन टू ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन क्या होगा इस माइनस को मैं यहां पे लेता हूँ तो क्या हो जाएगा पी वन माइनस गया पी वन माइनस टू एट एवरेज इन टू एल डिड बाईर समझ आए इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा और आगे लिखता हूं P1 वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाई मैं ना क्या करता हूँ खाली रो जी से मल्टीप्लाई करता हूँ या रो एफ जी से मल्टीप्लाई करता हूँ रो जी से मल्टीप्लाई करता हूँ सपोज दोनों साइड में सॉरी रो रोज से मैं डिवाइड करता हूँ दोनों साइड तो ये बाकी यहाँ पर एज था एट मी यू एवरेज एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर तो आपका एजेटिस था अब मैंने क्या कर रहा हूँ रोज से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी मैं रोजी डिवाइड करना पड़ेगा रो ही और मान लो आर के बदले मुझे डायमीटर लिखना होगा तो क्या लिखूंगा मैं वन माइनस पी टू मैं यहां पे करता हूं आर इज इक्वल्स टू डी बाई टू कह सकते हैं हम लोग तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू डी मैं डी स्क्र बाई फोर डालूंगा तो फोर ऊपर जाएगा तो पी वन माइनस पी टू इज इक्वल्स टू एट फोर ऊपर गया ऑलरेडी तो एट इंटू फोर क्या हो जाएगा थर्टी टू एट फोर थर्टी टू मैं सीधा लिख रहा हूं यहां पर थर्टी टू म्यू यू एवरेज एल डिवाइडेड बाई रो जी और आर स्क्र के बदले डी स्क्वायर दिस इज द फाइनल हैगन पॉइसली फॉर्मूला जो आप लोग चाहते थे इस लेक्चर के एंड में हो हैगन पॉइजलिव फॉर्मूला जो आप चाहते थे ये आपका फाइनल हैगन ये क्या दिखा रहा है दिस इज शोइंग यू द हेड लॉस हैड लॉस ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड कि अगर आप यहां से लेके फ्लूड यहां तक गए तो कितना फ्रिक्शन हैड लॉस हुआ बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी वो है थर्टी टू म्यू यू एवरेज एल बाई रोजी डी स्क्वायर इसको हम आगे यूज करेंगे न्यूमेरिकल में तो और क्लैरिटी आपको आएगी तो समराइज कर लेते हैं क्या देखा हम लोगों ने पहला तो अगर पाइप फ्लो हो रहा है लेमिनर फ्लो है तो आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो पैराबोलिक प्रोफाइल है इससे वेलोसिटी अलग अलग रेडियस पे कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग रेडियस पे वेलोसिटी अलग अलग है ये भी हमको पता है तो कैसी है

हमने ये भी देखा पी वन माइनस पी टू बाई रोजी करते हैं तो एच एफ इक्वल्स टू थर्टी टू यू एल यू एवरेज बाई रोजी डी स्क्वायर और ये आपका क्या है हैगन पॉइजोली फॉर्मूला जो आप चाहते थे ये वाला हैगन पॉइजोली फॉर्मूला ठीक है दैट्स इट इन लेक्चर आई होप टू सी यू अगेन नेक्स्ट क्लास थैंक यू